यार लास्ट टाइम हम नेकेटल नहीं है, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि यार ओड आइस के अंदर ओड आइस भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए ब्लू आइस है। वैसे इसकी आंखें देखो, एक जो है ब्लू कलर की और एक येलो कलर, पूरे पूरे डब्ल्यू डब्ल्यू डिस्को डिस्को डिस्को। उम्मीद करता हूँ आप सारी होंगे ठीक ठाक। हमारी अम्मा गई भी है आवारा गर्दी करने। इन दोनों को मैंने केज से निकाला है, बेचारे बोर रहे थे, और हमालियन पता नहीं ऊपर गई भी है। सुबह सुबह हमालियन की डाइट का टाइम होता है तो वो ऊपर पहुंच जाती है किचन में, और ये देखो बेचारे बोलते रह जाते हैं। बचपन में नहीं थे बोलते, अब बोलते हैं क्योंकि अब बड़े हो गए ना इसलिए। और इन्होंने क्या चूचा मचाई हुई है, चुप मोशी हुई है सारी। कोको कोको कह रही है हमालियन पता नहीं किधर है, ये बच्चे मुझे दे दो। कोको उनकी जान छोड़ दे गंदी, चल पीछे हो जा। गाइस हमने अपने किटन्स जो हैं इधर रख लिए, देखो इनकी आईज ओपन होगी पूरी पूरी। मेरे ख्याल से ना इसकी ब्लू कलर की आईज है बहुत ही प्यारी, और ये तो ग्रे है, इसकी तो ग्रे ही आईज होंगी, बस इसका फेस ज्यादा अच्छा। ओए मेरा क्यूट क्यूट पांडा। गाइस इन्हें तकरीबन ना 25 दिन हो गए इस दुनिया में आए हुए, और अभी तक रड़ना भी नहीं आता। मतलब थोड़ा सा तो चल लो, इधर तक आ जाओ, इधर तक आ जा, आ जा, आ जा, आजा। लो भाई गाइस, स्नेक तो हमारा चला गया, हमने अपने स्नेक से हंसरों को भी बुलवाना था अभी। ओए ओए फाइट नहीं, फाइट नहीं, फाइट नहीं, अंदर भाई लड़ाई हो रही, पूरे पूरे डब्ल्यू डब्ल्यू डिस्को डिस्को डिस्को। भाई बड़ा हैवी ला रहे हैं, बस 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 यार गाइस, ये तो लड़ते हैं आपस में। ओए होए होए, ये लड़ाई मैं पहली दफा देख रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं था कि इतना सालों में लड़ते हैं। ओ भाई बस करो बस करो, मुझे लगता है स्नेक से मनवाना था ना, इन्होंने स्नेक को भी ऐसे ही मारना था। गाइस हिमालयन को जो है हम लोग पकड़ लाए थे, और अभी हम इसे केज में बंद कर देंगे। खाना शाना हिमालयन ने खा लिया, अब अपने बच्चों को खाना खिलाएगी। कपड़ा कर देते हैं नीचे ताकि सर्दी भी ना जाए, और कोको की गंदी नजरें भी ना अंदर जाए। गाइस हमारी कॉलोनी के जो तोते हैं ना, बड़े शैतान है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो ऊपर स्काई वाला तोता देखो, वो लाइट के साथ छेड़ाछेड़ी कर रही है। ये बाज आ जा। गाइस हमने ना ऊपर रूफ लाइट लगाई हुई है ताकि रात को ना व्यू बड़ा अच्छा आया करे। भाई इन्होंने रूफ लाइट का जो स्विच था ना वो ही उतार दिया, अब बटन चलाओ तो रूफ लाइट चलती नहीं, वो अभी भी बैठ के खेली जा रहा है। मैं ना कितनी दफा ठीक कर चुका हूँ, अंदर जाके दोबारा स्विच लगाता हूँ, ये फिर से उतार देते हैं, लगता है इन्हें रोशनी पसंद नहीं। भाई मैंने ना चने मुंजी और पता नहीं क्या क्या सारा कुछ मिक्स करके ना एक दफा ही रख दिया। भाई रोज रोज ना सब कुछ मिक्स करना पड़ता था, मैंने एक दफा ही सारा इकट्ठा मिक्स कर दिया। ये जो देसी मुर्गी है ना, इनमें से एक मुर्गी हमारी बीमार होगी तो मैंने उसको सेपरेट कर लिया। भाई वो रही ये वाली मुर्गी, ये देसी मुर्गी है, ये बीमार मुझे लग रही थी, एक जगह पे बैठी हुई थी, तो मैंने इसको पकड़ा, एक केज में रख दिया और दवाई वाला पानी रख दिया। फ्रॉल वैसे ये बीमार है, दौड़ लगाने में सही है, खाना नहीं थी खा रही सही तरह। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, ये बोलती ऐसे है ना जैसे मैं इन्हें छुड़ी फेरने लगा। गाइस उम्मीद पूरी है कि ये दवाई वाला पानी पिएगी तो ठीक हो जाएगी। हाँ जी रेस्ट हो रही है, रेस्ट, सारे काम शाम कर लियो। मैं राजू ने सारी मुर्गियों का दाना राजू ने दिया। तो गाइस आपको एक चीज दिखाता हूँ अभी। भाई साहब ये देखो, ये वो बिल्ली है जिसको हमने कल परसों गर्दने डाली थी, और अभी ये इधर बैठी हुई है। गाइस ये हमारे इधर ही ना घरों के आसपास घूमती रहती है, मतलब मैंने इसे पहले भी काफी दफा देखा हुआ, और आज फिर देख रहा हूँ। तभी दोबारा हमारे पास आएगी तो उसे हम खाना वगैरह दे देंगे। सो गाइस अभी जो हम जुमा शुमा पढ़ने जा रहे हैं, तैयार शहर में हो चुका हूँ, जुमा पढ़ के आते हैं और आपको एक देते हैं सरप्राइज। यार शांति एक मजे की चीज बताऊं। हाँ आप पहले दिखाते हैं। ओए ओए ये कोको किधर है, कोको किधर? यार ये देखिए हमालियन का जो बेबी है इसकी ब्लू आईज है। ओए नजर आ रही है, इसका डार्क ब्लू है, बहुत डार्क ब्लू है, और बड़ा प्यारा बेबी होता जा रहा है दिन भर। भाई मैंने पिछले दिनों देखा था, ये तो ग्रे आंखें थी। हमालियन पुरानी क्यों हो गई, एक आंख ऐसे करके देख रही है हमालियन। ओए एक आंख वाली बिल्ली, इसके लड़े ही नखरे हैं। मैं कहता हूँ भाई चलते हैं कैड लेने के लिए, जो हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था दो कलर की आंखों में, तो वो लेके आते हैं। हाँ भाई हमारे कुछ सब्सक्राइबर कह रहे थे कि भाई आप किटन ले आए थे, बड़ी कैड लानी चाहिए थी आपको, तो सीन ये फिर हम लोग बड़ी कैट लेने जा रहे हैं। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई दो कलर की आंखों वाली बिल्ली होती है वो लेके आओ, जो कि हमारे पास पहले भी थी मसूमा, बट उसकी डेथ होगी, मसूमा जाती तो कोई नहीं बिल्ली, खैर फिर भी देखेंगे कोई अच्छी थी। सो गाइस फाइनली जो है भाई हम लोग मार्केट आ चुके हैं, और इधर आगे ना मैं कुछ बिल्लियाँ वगैरह देख रहा हूँ, कुछ किटन वगैरह देख रहा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, और मुझे अच्छे से याद है आपके भाई से मैंने लास्ट टाइम वो लिए थे, चूजे भी लिए थे और बतखें भी ली थी, और बिल्लियाँ भी वगैरह भी लेके जाते रहे। तो भाई के पास जो है इस टाइम किटन्स वगैरह आए हुए हैं। यार मुझे चाहिए ओड आइस के अंदर, ओड आइस नहीं पड़े फिलहाल, जो क्वालिटी आपको दिखाऊंगा वो बहुत बेहतर है। यार लास्ट टाइम हमने किटन लिया है, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि यार ओड आइस के अंदर, ओड आइस भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए ब्लू आइस है भाई, ये जो है ना ब्लू आइस के अंदर आ गए हैं। आप ये क्वालिटी तो देखेंगे भाई, ये है मस्त, वैसे लेवल के हैं ब्लू आइस के अंदर। बड़ी बिल्लियाँ पड़ी हुई हैं, चलो अंदर चलते हैं यार। तो गाइस भाई के पास जो है ना अंदर काफी ज्यादा बिल्लियां पड़ी हुई हैं। भाई ये कौन सा कलर है यार,
कैलिको कलर यार, व्हाइट के अंदर ना कोई बिल्ली दिखा दो अच्छी सी। व्हाइट के अंदर आपको अच्छा चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए यार, फीमेल चाहिए। हाँ भाई इधर भी है, हिमालयन भी है, हिमालयन में है ये हिमालयन में नहीं है ये, इसे बोलते हैं। ये बहुत प्यारा मेल है, ये आप क्वालिटी वाइज चेक करो भाई, ये चेक करो मस्त है ये तो ऐसे जैसे बड़ा हैवी पेंट करके किसी ने भेजा। ये क्वालिटी वाइज है, हाँ अच्छा है यार, बहुत कम मिलेंगे। अच्छा पाकिस्तान ब्रांड नहीं है, नहीं मैं खुद पहली दफ़ा देख रहा हूँ, बहुत आपको कम मिलेगा। तो भाई बाकी जो है ना कोई, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ब्लू आइज के अंदर है भाई, ये देख लो है ये भी प्यारी ब्लू आइज फीमेल एक पड़ी हुई है भाई, वो दिखा दो ओड आइज के अंदर। भाई के पास जो है ना एक बिल्ली है तो वो वाली देख सकते हैं, पसंद आ जाएगी हमें भाई। ये मस्त है यार, इसकी एज क्या है वैसे? पाँच से छः माह भाई, ये वाली ठीक है और मेरे ख्याल से इसे डन करते हैं। तो गाइस अभी जो है हम लोग घर जा रहे थे तो मुझे रास्ते में याद आया कि भाई हमारी मुर्गियों का दाना खत्म हो गया, और अभी जो है अली कितने ले रहे हैं तकरीबन? यार मेरे ख्याल से मुझे याद आया था मुर्गियों का, जो भी था 20 किलो ले रहे हैं, 20 किलो ले रहे हैं। अच्छा दाना खत्म हो गया। तो गाइस मुर्गियों के लिए हम लोग ना मुंजी भी ले रहे हैं, वैसे जो है हम लोगों ने एक पूरी बोरी उठवा लेनी थी लेकिन ये है कि वो कहीं से ना हमें मुनासिब पूरी बोरी मिल नहीं रही, तो अभी फिलहाल ये है कि थोड़ी सी हम लोग ले रहे हैं। तकरीबन अली कितनी? 10 किलो। हाँ 10 किलो जो है हम मुंजी ले रहे हैं। राजू की डैडी की तरह चीज़ें इधर भी पड़ी हुई, ये भी है, ये देखिए भी है वो, हाँ इधर सारा कुछ पड़ा हुआ है भाई। जिनसे हम राजू की डाइट वैसे लेते हैं ना भाई, उनके पास ये है कि आधा अधूरा सामान होता है, मतलब आधी चीज़ें होती हैं आधी नहीं होती, तो इधर ये है कि सारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है, तो मतलब जो वंडा तैयार करवाते हैं ना वो भी करवा लेते हैं, ठीक है। सो गाइस ये जो है राजू की डाइट पैक हो रही है, और ये हमने दो चीज़ें करवाई हैं तकरीबन जो है ना 9 किलो, बाकी ये मुर्गियों का और मुंजी ये सारा घर लेके जाते हैं। ओ ये बड़ी मुश्किल से आया ये सारी डाइट वगैरह ना, ये लानी है एक दफा ही होती है बस, है ना ना ली तकरीबन 15 दिन निकल जाएगी ऐसे ही ना। बाइक वाली भी ले आया भाई, कोको चलो चलो जाओ लेके आओ, कोको एक छप्पर तू उठा ले, ओए कोको मैंने उठा के ना कोको को अंदर डाल देना है। गाइस ये ऊपर लेके जाना बड़ा मुश्किल है, अभी हम लोग बड़े थके हुए आए हैं, मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ अपनी न्यू कैट। हिमालयन को भी ले आया हिमालयन की तरह, ओ हाँ हिमालयन को जो है ना हम लोगों ने केज के अंदर रखा हुआ था, उस टाइम धूप थी लेकिन अभी अगर रात हो गया तो सर्दी आ गई है, तो हिमालयन को उठाते हैं और अंदर ले जाते हैं। गाइस ये देखो ये वो कैट आई हुई है भाई, मेरा तो इस पर दिल आया हुआ, देखते हैं इसको उठा के किसी दिन अंदर काट लेंगे। आ जाओ हमारे पास आ जाओ, अभी मेरे ख्याल से चिकन खत्म हुआ है तो सुबह हम लोग चिकन देखेंगे, वैसे ही इधर ही होती है तो सुबह हम इसे चिकन देंगे। गाइस ये रही अपनी न्यू कैट, ओए भाई अभी नई नई आई है ना तो बड़ी परेशान लग रही है, कहीं से इसकी आंखें देखो, एक जो है ब्लू कलर की और एक येलो कलर की। भाई जिस भाई ने कमेंट किया था ना कि ओल्ड है इसकी कैट लेके आओ, उसने बताना कि भाई हम कैसी अच्छी सी बिल्ली लेके आए हैं। कोको कह दिया जरा इसे छोड़ो, क्या करूँ कोको बस बस भाई इसे जरा छोड़ देते हैं। ओ भागी भागी भागी, ओ भाग, ओ कोको से डर गई कोको से, ओए कोको छोड़ दे उसकी जान। अच्छा बस स्टॉप कोको, अभी वो आती गई है, कोको ने उसे आगे लगा लिया भाई, मुझे पता आप लोगों को भी सही तरह नजर नहीं आई होगी, दिन टाइम आप लोगों को सही नजर आएगी, कल अभी जो रात हो गई वो इधर कहीं छुप गई है। कोको किधर की है हमारी न्यू कैट? वो जाके बैठ गई यार, वो डरी डरी है ना अभी। कोको बाज आ जा बाज, ये वाला हैमस्टर के नीचे वाला, चलो और हिमालयन को यार बंद कर सबसे पहले, ठीक है हिमालयन को बंद। बेबीज में रख दिया अली, काला मुंह किधर से कराया इसने? सुबह ने लाना नहीं से? हां हां ने लाने वाला, बहुत गंदा हुआ है जग्गू, बड़ा भी हो गया पहले, बड़ा हुआ है काला मुंह का, आगे आ गया जग्गू कहीं, जग्गू बनाना देख ले एक्शन देख। अभी अली ने इसे पूरा दिया है बनाना, उसके बावजूद अली ने एक खाया तो वो रोने लग गया कि मुझे दो भाई, ये गई हिमालयन अंदर। तो गाइस इधर जब हम अपना व्लॉग करते हैं एंड व्लॉग अच्छा लगा लाइक कर भाई, मुझे पता आप लोगों को सही तरह कैट नहीं नजर आई होगी, कल व्लॉग के स्टार्ट में आप लोगों को अच्छे से कैट दिखाएंगे, बड़ी प्यारी है। अपना ठेसा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।